Hello everyone, welcome to class number 10 of the chapter Database Systems. So, आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है Instances, Schema and Data Abstraction. आज की क्लास में हम देखेंगे कि Instances हम किसको बोलते हैं, Schema क्या है, Data Abstraction हम किसको बोलते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन. पहले हम जानते हैं What is the meaning of Instance? Instance या फिर Instances का मतलब है क्या. Okay, so at any instant of time, the content of the database is called the instance of the database. Okay, suppose let's take an example. Suppose हमारे पास क्या है, हमारे पास एक डाटाबेस है. Okay, this database में मैंने एक student table बना के tabular form में मैंने data को store करके रखा है. Okay, जहाँ पे हमने store क्या किया है, जहाँ पे हमने store किया है student का name, student का role, student का mark, student का address एंड स्टूडेंट का मोबाइल नंबर. ओके, तो सपोज डाटाबेस में हमने जो डाटा स्टोर किया है उस डाटा को हम जब चाहे तब क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. तो सपोज एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में, एक पर्टिकुलर डाटाबेस में जो भी डाटा स्टोर्ड है, उन सारे डाटा को हम उस पर्टिकुलर डाटाबेस के इंस्टेंसेस बोल के बोलते हैं. ओके, पता चला इंस्टेंसेस क्या है. At any instant of time, the content of the database is called instance of the database. कोई भी एक particular time में, एक database में जो भी contents हैं, एक database में जो भी data है, उन data को उस particular database के instances बोल के हम बोलते हैं. Okay, पता चला what is the instance of the database? Instance का मतलब समझ आ गया. अभी आते हैं next term के बारे में. Next term हमारा है schema. तो schema हम किसको बोलते हैं? The logical description or representation of the database is known as schema of the database. So the logical description or representation of the database. तो यहाँ पे logical description या फिर logical representation का मतलब क्या है? Okay, suppose let's take an example. Suppose हमें क्या करना है, पहले हमें एक डाटाबेस क्रिएट करना है, एक स्टूडेंट डाटाबेस मुझे क्या करना है, एक स्टूडेंट डाटाबेस मुझे क्रिएट करना है. ओके, तो जिस पर्टिकुलर स्टूडेंट डाटाबेस को मैं क्रिएट करना चाहता हूं, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट डाटाबेस में मुझे स्टूडेंट का नेम, रोल, मार्क एंड एड्रेस स्टोर करके रखना है. ओके, तो जो कंप्यूटर्स मेमोरी में हम डाटाबेस क्रिएट करके डाटा को स्टोर करके रखेंगे, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल स्टोरेज और फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द डाटाबेस. ओके, कि फिजिकली कैसे अरेंज होगा हमारे मेमोरी में, डाटाबेस में जो जो भी डाटा हम स्टोर कर रहे हैं. बट हम एक्चुअल में जो डाटा को हमारे कंप्यूटर सिस्टम में देखते हैं, हमें जो टेबुलर फॉर्म में डाटा को डिस्प्ले किया जाता है, जो डाटा हम डाटाबेस में स्टोर करते हैं, टेबुलर फॉर्म में डाटा को हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट कमांड्स. ओके, सो वहां पे जो हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं जिस तरह के स्ट्रक्चर में, उस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लॉजिकल स्ट्रक्चर और लॉजिकल व्यू ऑफ द डाटाबेस. सो जब भी हम कोई डाटाबेस को क्रिएट करते हैं, डाटाबेस को क्रिएट करने से पहले उसका जो हम एक लॉजिकल स्ट्रक्चर या फिर लॉजिकल व्यू बनाते हैं, उस लॉजिकल स्ट्रक्चर या फिर लॉजिकल व्यू को हमारे डाटाबेस का हम बोलते हैं स्कीमा ऑफ दैट पर्टिकुलर डाटाबेस. तो मुझे अगर एक स्टूडेंट डाटाबेस बनाना है, जो स्टूडेंट डाटाबेस में मुझे स्टूडेंट का नेम, रोल, मार्क, एड्रेस स्टोर करना है, तो यहाँ पे मैंने जो उसका एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन किया, एक स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन किया, इस लॉजिकल या फिर स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन को हम बोल सकते हैं स्कीमा. ओके, सिंपल टर्म में अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज स्कीमा, स्कीमा इज द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटाबेस. Schema is the logical representation of the database. कोई भी database अगर हम बना रहे हैं, तो database को बनाने से पहले उसका logical representation हम जो करते हैं, उस logical representation को उस particular database का schema बोल के बोला जाता है. Okay, जैसे कि अगर मुझे एक database बनाना है जहाँ पे student का name, role, mark, address store करना है, वो physically मेरे storage device में कैसे store होगा वो अलग बात है, but उसको लॉजिकली हम कैसे डिजाइन करना चाहते हैं, लॉजिकली उसका स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाना चाहते हैं, लॉजिकली उसमें किस तरह के डाटा को हम स्टोर करना चाहते हैं, उसके रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं स्कीमा. ओके, वही लिखा है,
logical description or representation of the database is known as schema of the database. एक डाटाबेस को अगर हम क्रिएट करते हैं तो लॉजिकली उसका डिस्क्रिप्शन कैसे होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसका ब्लूप्रिंट, मतलब एक डाटाबेस अगर बना रहे हैं तो पहले उसका ब्लूप्रिंट एक बनाएंगे। जैसे कि अगर आप एक घर बना रहे हो तो घर बनाने से पहले आप उसका एक मॉडल बनाते हो, उसका एक डायग्राम बनाते हो, उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हो। स्ट्रक्चर में जैसे होता है आपका घर एक्चुअली में वैसा दिखता है क्या? नहीं, वो बस आपका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि आप इसीलिए बनाए हो ताकि आपको फिजिकली उसको रिप्रेजेंट करने में आसानी हो। ओके, सिमिलरली जब भी हम एक डाटाबेस को बनाते हैं, डाटाबेस को बनाने से पहले उसका एक जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन हम बनाते हैं ताकि आसान तरीके से डेवलपर्स को पता चले कि एक डाटाबेस को वो कैसे डिजाइन कर सकते हैं, तो उस लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर लॉजिकल स्ट्रक्चर के रिप्रेजेंटेशन को एक पर्टिकुलर डाटाबेस का हम बोलते हैं स्कीमा। ओके, स्कीमा मेनली दो तरह का होता है, फिजिकल स्कीमा एंड लॉजिकल स्कीमा। So, ये physical schema क्या है? The schema which describes the database design at physical level is known as physical schema, and the schema which describes the database design at logical level is known as logical schema. Physical level में जो schema database design को describe करता है उसको बोलते हैं physical schema, logical level में जो describe करता है database design को जो schema उसको बोलते हैं logical schema. So, ये physical schema and logical schema है क्या? पहले हम देखते हैं फिजिकल स्कीमा है क्या। ओके, देखो स्कीमा मींस व्हाट? स्कीमा मींस द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटाबेस। अगर एक डाटाबेस हम क्रिएट कर रहे हैं उससे पहले उसका एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम बनाते हैं कि कैसे डाटा स्टोर होगा, किस तरह का डाटा हम स्टोर करने जा रहे हैं, उसका जो एक लॉजिकल स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं उसको हम बोलते हैं स्कीमा ऑफ दैट पर्टिकुलर डाटाबेस। सो फिजिकल स्कीमा हम किसको बोलते हैं? कि फिजिकली हम हमारे कंप्यूटर मेमोरी में जो एक डाटाबेस बना रहे हैं उस डाटाबेस की डाटा को हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में कैसे और कहां स्टोर करने वाले हैं, उस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं फिजिकल स्कीमा, जहां पे हम फिजिकल लेवल में काम करते हैं, जहां पे हम मेनली फोकस करते हैं कि हाउ टू स्टोर द डाटा इन द मेमोरी, हाउ टू स्टोर द डाटा इन द कंप्यूटर स्टोरेज। ओके, उसको हम बोलते हैं फिजिकल स्कीमा। लॉजिकल स्कीमा हम किसको बोलते हैं? द स्कीमा व्हिच डिस्क्राइब्स द डेटाबेस डिजाइन एट लॉजिकल लेवल। जिस तरह के स्कीमा में हम लॉजिकल लेवल में क्या करते हैं, डेटाबेस डिजाइन को डिस्क्राइब करते हैं। लॉजिकल लेवल में मतलब क्या? लॉजिकल लेवल में मतलब जहां पे हम मेनली फोकस करते हैं कि हमें किस तरह का डाटा स्टोर करना है और किस फॉर्मेट में हमें डाटा को स्टोर करना है, उसके ऊपर फोकस करते हैं, जहां पे हम उसको बोलते हैं लॉजिकल स्कीमा। ओके, जैसे कि यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे अगर स्टूडेंट डाटाबेस बनाना है तो स्टूडेंट डाटाबेस में मुझे क्या क्या डाटा स्टोर करना है, उसको अगर मैं डिजाइन करता हूं तो वहां पे उस तरह के स्ट्रक्चर डिजाइन को मैं बोलूंगा लॉजिकल स्कीमा। बट मुझे उस पर्टिकुलर डाटाबेस के डाटा को मेरे कंप्यूटर मेमोरी में या फिर सेकेंडरी स्टोरेज में कैसे स्टोर करना है, उसको अगर मैं डिजाइन करता हूं तो उसके डिजाइन को हम बोलेंगे, उसके स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे फिजिकल स्कीमा। ओके, सो लॉजिकल स्कीमा क्या है पता चला, फिजिकल स्कीमा क्या है पता चला। यूजर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? लॉजिकल स्कीमा। ओके, जो हमारा लॉजिकल स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर को देखने से यूजर आसान तरीके से हमारे डाटाबेस के डाटा को एक्सेस कर सकता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजर के पास एज ए व्यू, व्यू के हिसाब से, क्योंकि अलग अलग यूजर अलग अलग तरह का डाटा देखना चाहते हैं, तो जिस तरह का यूजर जिस तरह का डाटा देखना चाहता है उसी तरह का डाटा उस पर्टिकुलर डाटाबेस से उस तरह के यूजर को डिस्प्ले किया जाता है। और किस तरह का डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है? लॉजिकल स्कीमा वाला डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह के डाटा को इजीली यूजर समझ सकता है। फिजिकल स्कीमा मतलब फिजिकली हम डाटा को जैसे स्टोर करते हैं, डाटाबेस के लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन उसका उससे कंप्लीटली डिफरेंट होता है। और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन हम इसीलिए करते हैं ताकि डेवलपर्स को भी आसान तरीके से समझ आ सके और जो यूजर्स डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं उनको भी आसान तरीके से समझ आ सके कि डाटा को कैसे एक्सेस करना है, डाटा को कैसे स्टोर करना है। ओके, सो लॉजिकल स्कीमा क्या है पता चला, फिजिकल स्कीमा क्या है पता चला। फिजिकल स्कीमा मेनली डिस्क्राइब करता है डाटाबेस डिजाइन को फिजिकल लेवल में। फिजिकल लेवल में मतलब जिस लेवल में हम डाटा को कैसे स्टोर करेंगे हमारे कंप्यूटर मेमोरी में डिजाइन किया जाता है, उस लेवल में डिस्क्राइब करता है फिजिकल स्कीमा। बट लॉजिकल स्कीमा हमारे डाटाबेस डिजाइन को लॉजिकल लेवल में डिस्क्राइब करता है, मतलब लॉजिकली हमें किस तरह का डाटा कैसे स्टोर करना है, क्या क्या फील्ड लेने हैं, कैसे डाटाबेस में हर एक एंटिटी के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करने हैं, उन सारे लॉजिकल रिप्रेजेंटेशंस को डिस्क्राइब करता है लॉजिकल स्कीमा। ओके,
तो ये तो समझ आ गया स्कीमा क्या है. स्कीमा इज द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटाबेस. डाटाबेस का एक ब्लूप्रिंट है. डाटाबेस बनाने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट, एक मॉडल, एक डायग्राम हम जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं स्कीमा. ओके, इंस्टेंस क्या है पता चला, स्कीमा क्या है पता चला. अभी हम आते हैं और एक न्यू टर्म के बारे में जिसका नाम है डाटा एब्स्ट्रैक्शन. सो ये डाटा एब्स्ट्रैक्शन है क्या. ओके, एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, डाटाबेस सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स. हम जो डाटाबेस सिस्टम्स में डाटाबेस क्रिएट करके डाटा स्टोर करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि वहां पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स यूज करते हैं इंसर्ट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन, क्रिएट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जो कि एक नॉर्मल यूजर के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. हर कोई डाटाबेस के बारे में नहीं जानता, तो वहां पे अगर हम कमांड्स को यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूजर को डिस्प्ले करेंगे तो वहां पे यूजर को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा. क्या करने के लिए, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा डाटाबेस में डाटा को एक्सेस करने के लिए, डाटाबेस में स्टोर किया गया डाटा को एक्सेस करने के लिए. तो यूजर कैसे इजीली डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सके, डाटाबेस में स्टोर किए गए डाटा को एक्सेस कर सके, उसके लिए डाटाबेस डेवलपर्स ने क्या किया. मतलब जो हमारा सपोज यूजर को कुछ डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए जो भी हमें कमांड्स चाहिए, वो प्रोसेस कैसे हो रहा है, वो कमांड्स को कैसे यूज कर रहे हैं, उस पार्ट को यूजर से हमने हाइड कर लिया. यूजर को सिर्फ क्या पता चलेगा, नॉर्मली जैसे फाइल बेस्ड सिस्टम में यूजर डाटा स्टोर करता है, जैसे डाटा को एक्सेस करता है, वैसे ही डाटाबेस सिस्टम में भी करेगा, बट एक्चुअल में उसका जो इंटरनल प्रोसेस है वो अलग होगा. इंटरनल ऑपरेशंस में हम डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स को यूज करेंगे और उन कमांड्स को यूज करके हम क्या करेंगे, यूजर अगर कुछ डाटा इंसर्ट कर रहा है उसको इंसर्ट करेंगे, यूजर कोई डाटा एक्सेस करना चाहता है एक्सेस करने के लिए प्रोवाइड करेंगे, यूजर कोई डाटा रिट्राइव करके ऐसे आउटपुट देखना चाहता है उसको रिट्राइव करके प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स यूज करना पड़ेगा. तो जो कि एक नॉर्मल यूजर के लिए देखेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है. तो उस कॉम्प्लिकेटेड टास्क को क्या करते हैं, डेवलपर्स हाइड कर लेते हैं और सिर्फ यूजर को जो डाटा चाहिए वही रिप्रेजेंट करते हैं. यूजर को अगर कोई डाटा इंसर्ट करना है तो सिर्फ उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बाकी सारे उसके जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं, इंटरनल ऑपरेशंस हैं, उसको डेवलपर्स क्या करते हैं, कोडिंग के थ्रू हाइड कर देते हैं. तो जिस प्रोसेस के थ्रू, मतलब जो पार्ट इररिलेवेंट है, जो पार्ट जरूरी नहीं है यूजर को, उस पार्ट को अगर हम हाइड करते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू, और जो सिर्फ यूजर को चाहिए सिर्फ वही अगर यूजर को हम डिस्प्ले करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन. सो डाटा एब्स्ट्रैक्शन इज ए प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू हाइड द अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द यूजर्स एंड ओनली अलाउ द यूजर टू डिस्प्ले दोस पार्ट व्हिच इज नेसेसरी फॉर द यूजर. यूजर को जो पार्ट नेसेसरी है सिर्फ उतना ही पार्ट डिस्प्ले करके बाकी सारे उसके इंटरनल प्रोसेसेस जो कि यूजर के लिए अननेसेसरी है, उन पार्ट को यूजर से हाइड करके सिर्फ जितना पार्ट यूजर को चाहिए उतना डिस्प्ले करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन. ओके, सो यहाँ पे आप डायग्राम जैसे कि देख सकते हो, जिसको ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि डाटाबेस स्कीमा, स्कीमा क्या है, स्कीमा इज द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटाबेस. एक डाटाबेस में हम जो एक डाटाबेस सिस्टम को यूज करके हम अगर डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो लॉजिकली उसका जो रिप्रेजेंटेशन है डाटाबेस को क्रिएट करने से पहले, उस लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन को या फिर उस स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन को या फिर डाटाबेस के ब्लूप्रिंट को हम बोलते हैं स्कीमा. ओके, तो स्कीमा मेनली दो तरह का होता है, लॉजिकल स्कीमा एंड फिजिकल स्कीमा. लॉजिकल स्कीमा रिप्रेजेंट द डाटाबेस डिजाइन एट लॉजिकल लेवल एंड फिजिकल स्कीमा डिस्क्राइब द डाटाबेस डिजाइन एट फिजिकल लेवल. फिजिकल लेवल में मतलब हमारे कंप्यूटर मेमोरी में डाटाबेस हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो कैसे स्टोर होंगे, how the data will be stored in our computer memory, that will be described by physical schema. But logical schema describes the data at logical level, means logically how we will store the data, logically how we are going to store the data in the form of database, means what are the different type of field, what are the different type of entities, how the relationships are maintained between the entities, all these are described in logical schema. And एक लॉजिकल स्कीमा को यूज करके हमने जो डाटाबेस के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया, उसको डेवलप करने के बाद हमारे डेवलपर्स यूजर्स को सिर्फ वही पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं जो पार्ट यूजर को चाहिए, और उसके इंटरनल प्रोसेस को यूजर से क्या कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं. इंटरनली जो प्रोसेस होता है उसको हाइड कर लेते हैं. तो जिस प्रोसेस के थ्रू हमारे डेवलपर्स सिर्फ जितना पार्ट यूजर को चाहिए उतना डिस्प्ले करके इंटरनल प्रोसेस को हाइड कर लेते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन. ओके, then what is instance, जैसे कि अगर मैंने एक डाटाबेस बनाया तो उस डाटाबेस में स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, प्रोजेक्ट आईडी है, तो हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का आईडी,
हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का नेम, हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का प्रोजेक्ट आईडी, सब एक एक डाटाबेस इंस्टेंसेस है। एक पर्टिकुलर डाटाबेस में एक पर्टिकुलर टाइम में हर एक डाटा जो भी प्रेजेंट है उस डाटाबेस में, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर डाटाबेस। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंस, इंस्टेंस क्या है, उसके बाद हमने डिस्कस किया स्कीमा क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमा क्या है, फिर हमने डिस्कस किया व्हाट इज डाटा एब्स्ट्रैक्शन। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।